दोस्तों नमस्कार। आज हम रिपेयर करेंगे ये LG की 20 इंची टीवी। तो इसका मॉडल नंबर भी आप देख लीजिए, ये इसका मॉडल नंबर है। ये कुछ मिटा हुआ है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो इसको चालू करेंगे, ये हमने सीरेज बोर्ड में इसका प्लग लगा दिया है। इधर तो दोस्तों ये ऑन हो चुकी है, लेकिन इसमें लाइनिंग आ रही है। और हम इसके ऑडियो वीडियो पिन भी लगा कर देख लेंगे। हम लगाते हैं, तो दोस्तों हमने इसकी ऑडियो वीडियो पिन लगा दी है और इसमें चित्र ऐसे आ रहे हैं गुंदरे टाइप के, और इसमें लाइनिंग आ रही है। इसको खोलेंगे और रिपेयर करेंगे। खोलते हैं इसको, सभी स्क्रू खोल लिए हैं। एक और रह गया है ये वाला, तो इसको भी खोल लेंगे। इसका हम बैक कवर खोलते हैं। तो दोस्तों ये खुल गया है, तो इसको सीधा कराएंगे। तो दोस्तों हमने टीवी को खोल लिया है और अब हम फिर से इसका प्लग लगाएंगे बोर्ड में। और चालू कर दी हमने, तो दोस्तों ये जो फॉल्ट आ रहा है, ये 180 वोल्ट पर कोई भी शॉर्टेज हो या कैपेसिटर ख़राब हो या डायोड ख़राब हो तब भी आता है, और EST का फॉक्स ज़्यादा खुला हो तो भी आता है। तो हम पहले EST सेट करके देखेंगे इसकी, तो देखते हैं। इसको हम मद्दा करेंगे थोड़ा। तो दोस्तों इधर देखिए दोस्तों, ये इसका फॉल्ट नहीं है, इससे कुछ नहीं हो रहा है। तो हम इसका 180 वोल्ट चेक करेंगे। सर्किट को निकालेंगे बाहर, दोस्तों इसका 180 वोल्ट EST से बनता है। ये मल्टीमीटर लिया हमने और हमने DC वोल्टेज 1000 पर सेट किया है। हम देखते हैं इसका 180 वोल्ट, तो ये लगा दिया हमने ग्राउंड में इधर। तो इधर पकड़ लेंगे हम ऐसा, और इधर ये देखिए इस पर सभी वोल्ट लिखे हुए हैं EST के पिनों पर। तो दोस्तों ये है 200 और इसी से बनता है वो 180 वोल्ट। तो इधर तो ये इधर से गया, ये डायोड लगा है। तो दोस्तों इधर ये सही नहीं बन रहा है वोल्ट, और ये इधर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो दोस्तों इस पर सही वोल्ट नहीं आ रहा है, 180 वोल्ट आना चाहिए इधर।
तो ये पिन जाती है ऐसे ऐसे करके यहाँ से जंपर मार के, ये डाइवोल्ट लगा है तो ये इधर, और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इधर से इधर, तो इधर 180 वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों पहले हम इसका ये डाइवोल्ट चेक करेंगे, तो इसका प्लग निकाल देंगे हम टीवी का, तभी काम करेंगे। तो दोस्तों इसका डायोड लगा हुआ है 180 वोल्ट पर, तो इसकी पिन निकाल देंगे, ये साउंड की, अरे डिकोडिंग की है। तो हम इसका डायोड ओपन कर लेते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों हमने एक साइड से ओपन कर दिया है, ये देखिए। अब हम इसको डिजिटल मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट करेंगे, ये बजर मोड है इसका, अगर डायोड शॉर्ट होगा तो ये बीप आएगी इसमें से। दोस्तों चेक कर लेते हैं इसको, तो दोस्तों ये डायोड शॉर्ट नहीं है बिल्कुल भी, डायोड इसका सही है। तो डायोड हम ज्यों का त्यों लगा देंगे और सोल्डरिंग कर देंगे इसकी। दोस्तों डायोड की हमने सोल्डरिंग कर दी है, अब इसका एक कैपेसिटर निकाल लेंगे और ये चेंज करके देखेंगे। तो ये दोस्तों हमने निकाल लिया है, तो इसका नंबर है 10 UF 250 वोल्ट। तो हम दूसरा निकालेंगे और नया लगाएंगे। तो दोस्तों हमने ये दूसरा लिया है 250 वोल्ट 4.7 UF का, क्योंकि वो मिला नहीं तो हमको बोल्ट से मतलब है, ये 250 वोल्ट का है तो यही लगाएंगे। तो दोस्तों इसका उल्टे सीधे का भी ध्यान रखें, ये सफ़ेद पट्टी है जो, ये इसका सफ़ेद पट्टी इधर है तो इसकी तरफ करके लगाएं, इसका नेगेटिव पॉइंट होता है, ये पॉजिटिव, और यहाँ लिखा भी है प्लस और ये माइनस है सफ़ेद वाला, इसको ऐसा लगा देंगे और इसकी सोल्डरिंग कर देंगे। तो दोस्तों हमने इसकी सोल्डरिंग कर दी है, तो हम टीवी को ऑन करेंगे, पहले पिन लगा लेंगे सभी जो हमने निकाली थी। किट को यहाँ फंसा देंगे टीवी में, तो दोस्तों हमने किट लगा दी है, अब टीवी को हम ऑन करेंगे, इस तरफ घुमा लेंगे टीवी को, तो दोस्तों टीवी ऑन हो चुकी है, टीवी वन लिखा आ चुका है, अब हम इसमें ऑडियो वीडियो लीड लगाएंगे। Thank you.
टीवी एकदम क्लियर चल रही है, कोई भी लाइनिंग नहीं आ रही है। तो ये कैपेसिटर की वजह से मिस्टेक थी। तो दोस्तों आप भी रिपेयर कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और वह वीडियो देख सकें आप। इसी वीडियो के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।